के बाद आप लोगों के साथ व्लॉग्स नहीं बनाऊंगी। क्यों? क्या आप पेमेंट कर देना, जो वाइजर टूटा था ना उसकी पेमेंट कर देना, बस कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस चेक करो, आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम अपने सिद्रा वाले हाईवे से। ये चेक करो गाइस, अभी मैं सिद्रा वाले हाईवे पे हूँ और मैंने अबरार को कॉल की थी, अबरार आ गया मेरे को लेने के लिए, तो मैं पैदल चल रहा था यहाँ से। तो ये चेक करो गाइस, दोस्त ऐसे होने चाहिए भाई, एक फ़ोन पे आ जाते हैं। तो मैंने कहा आ जाओ भाई, जल्दी से चलते हैं जे टाउन, तो व्लॉग वगैरह बना लेते हैं। तो मेहरा भाई भी जे टाउन में ही वेट कर रहा है। ये चेक करो गाइस, ये अपनी हंटर को कुछ देख रहा है भाई, क्या देख रहा है इसका नट निकल गया यार, अब इसने कुछ जुगाड़ किया है इसको बांध के, क्योंकि जब हमने बर्फ में से निकाली थी ना, इसका नट निकल गया था। तो क्या सीन है आज का, क्या बनाना है? फोटो शूट भी करना है यार, रील भी बनानी है, बहुत टाइम हो गया, रील वगैरह कुछ भी नहीं बनाई है मैंने। सो गाइज यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे लगी हुई है अपनी S2, क्या लुक आ रही है इसकी, क्या बात है यार, ये देख रहे हो क्या लुक आ रही है। और गाइज यहाँ पे आ चुके हैं अबरार राइडर व्लॉग्स, इसको जाके सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो इसको। ठीक है, तो अभी निकलते हैं यहाँ, चलते हैं जे टाउन। ठीक है, फिर आगे वहाँ से देखते हैं, थोड़ा रील वगैरह भी बना लेंगे, फोटो शूट। उसने की थी मेरे को वहीं से कॉल, बोल रहा था जे टाउन में हूँ मैं, तो यहीं पे आ जाना, कुछ बात करनी है। हाँ, मैं कहा ठीक है आ रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं। गाइज चलो निकलते हैं यहाँ से, तो मिलता हूँ आपको जे टाउन में। और गाइज इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना, यहाँ पे यूजर आईडी आ रही होगी। तो चलो निकलते हैं यहाँ से, सीधा मिलता हूँ आपको जे टाउन। A few inches later. तो फाइनली गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं जे टाउन, ये चेक करो गाइज, यहाँ पे जे टाउन पहुंच चुके हैं हम। तो चलो अंदर देखते हैं भाई कौन कौन आया है। और गाइज चलो, ओ भाई मैं अंदर जा रहा था यहाँ पे, गाइज बेचारा कल ट्रेन के नीचे जाने वाला था। क्या हाल है ज़ियान? हाल है भाई, बढ़िया। ठीक है और क्या हुआ? कॉम्प्रोमाइज करना है, हम तो पहले बोल रहे थे भाई तुम्हें कॉम्प्रोमाइज कर लो यार, मैंने गलत किया यार, मैंने सोचा नहीं था पहले यार ये सब होगा यार, फिर भी तुम मेरी हेल्प करने आ गई है यार। अरे वो कोई बात नहीं है, दोस्ती में लड़ाइयाँ वगैरह होती रहती हैं, उसका कोई इशू नहीं है। पहले भी ऐसा कंप्रोमाइज करने के लिए, लेकिन उस टाइम पे तुमने किया था कुछ उल्टा वगैरह, ये आए थे पहले भी कंप्रोमाइज के लिए, पर उस वक्त तुमने ही नहीं किया था यार। चलो भाई मैं तो पहले से बोल रहा था कंप्रोमाइज कर लेता यार, कल मेरी भी गलती थी, तो आप हेल्प वगैरह करने आई, मैं बड़ी मुश्किल से बचा यार। कोई बात नहीं, ध्यान से जाया कर, जब भी जाना हो। ट्रेन ही ऊपर चढ़ जाती यार भाई, अगर हम पहुंचे नहीं होते क्या पता ऊपर वाला कोई किसी और को भेज देता, लेट हो जाता। लेकिन लेट कहा, जो ही तुम आए उसके बाद कुछ ही एक दो मिनट में आ गए, और आया भी नहीं कोई तब तक यार। चल कोई नहीं, होता रहता है भाइयों में, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, कोई इशू नहीं है। थैंक यू यार, कोई नहीं, मैं कंप्रोमाइज ही करने आया था, बाकी यार आप पता नहीं तुम करोगे कंप्रोमाइज या नहीं। नहीं हम तो पहले से बोल रहे थे कंप्रोमाइज कर लो, तुम ही लड़ाइयाँ कर रहे थे यार, कंप्रोमाइज कर लेंगे यार, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा यार, इन्होंने मेरी हेल्प वगैरह भी की, तो अगर फिर भी मैं इसके बाद अगर इनके साथ गलत वगैरह करूँ तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। हम तो चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, है तो अपना कोई इशू नहीं है। ठीक है फिर, कोई बात नहीं, सॉरी यार अगर कुछ बुरा लगा, कोई बात नहीं, मैंने देखो उस दिन थप्पड़ लगा, आपने नहीं करना है कॉम्प्रोमाइज। थैंक यू सो मच यार, आपने ज़ैन की हेल्प की यार, थैंक यू। अरे वो तो भाई है अपना है, कोई बात नहीं, आपने नहीं करना है कॉम्प्रोमाइज यार, आप तो डायरेक्ट मतलब आए। सो गाइस आज मैं एक एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसका नाम है 1xBet, जैसे कि ट्रस्टेड ऐप है, 100% ट्रस्टेड ऐप है, वो नंबर वन साइड है। जैसे कि आप सबको पता है IPL वगैरह आने वाले हैं, अगर आप क्रिकेट वगैरह खेलना चाहते हो तो उसके लिए बेस्ट ऐप है। और भी गेम्स हैं उसमें, जैसे कि फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, टेनिस हो गया, तो आप ढेर सारी गेम खेल के वहाँ पे कैश जीत सकते हो। इसके मैचेस में आप ढेर सारा कैश जीत सकते हो, और जैसे कि iPhone, लैपटॉप और बहुत सारा कैश जीत सकते हो बहुत आसानी से। इस ऐप में आपको बहुत सारी गेमें खेलने को मिल जाती है, क्रिस्टल, अंडर एंड ओवर, वन मोर इंटरेस्टिंग एप्स मिल जाती है, जिससे आप ढेर सारा पैसा कमा सकते हो और ढेर सारी इनकम कमा सकते हो। क्रिस्टल करते ही आप मेरा प्रोमो कोड यूज करके फर्स्ट डिपॉजिट में 33,000 विड्रॉल कर सकते हो, आप आसानी से अपने जीते हुए पैसे विड्रॉल कर सकते हो। तो देर किस बात की है, जाओ और खेलो 1xBet, मेरा प्रोमो कोड यूज करके आप ढेर सारा पैसा कमा सकते हो, तो जल्दी जैसे जाओ गेम को डाउनलोड करो और खेलो। हेलो नहीं, हाय नहीं, अच्छा हेलो, तो हेलो तो कर रहा हूँ मैं आपको, करो हेलो। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब, होप करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस यहाँ पे दोनों बैठे हुए, बेचारा कल ट्रेन के नीचे से निकाला है, हमने बड़ी मुश्किल से बच गया था। तो चलो कोई बात नहीं, अभी ये कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे दोनों, तो हमने कर लिया कॉम्प्रोमाइज, कोई भी इशू नहीं है। मेरा भैया नहीं आए अभी, सो गाइस अभी मेहरा भाई नहीं आए भाई, उसका भी वेट करना है। अगर मेरा कुछ भी बुरा लगा होगा यार, उसके लिए सॉरी यार, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, आपने हेल्प किया उससे दिल से शुक्रिया यार। इमरान भी आपको बता ना, रमजान आ रहा है यार, तो मैं नहीं चाहती आपके दिल में मेरे लिए थोड़ा सा इतना, अरे मेरे दिल में पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं, हम तो पहले भी ये चाहते थे कॉम्प्रो हो जाए, पर आप ही, अब चलो कोई नहीं, भूल जाओ पुरानी बातें जो भी। बाकी आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। मेहरा भैया नहीं आए? मेहरा भैया नहीं आए, मैं भी उसी का वेट कर रहा हूँ, वो आए नहीं।
यार मेहरा भैया को सॉरी बोल देना यार मेरी तरफ से, मैं उनको फेस टू फेस खुद भी बोल दूंगी सॉरी, बट प्लीज आप उनको सॉरी बोल देना और बाकी मैं पेमेंट कर दूंगी। आप पेमेंट कर देना, जो वाइजर टूटा था ना उसकी पेमेंट कर देना, बस कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके, अब बोल देना। ठीक है, बोल देंगे, कोई इशू नहीं है। सो गाइस, जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया भाई, आज बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, तो कोई नहीं। मेहरा भाई अगर आप वीडियो देख रहे हो तो ये सॉरी बोल रही है आपको। यार मेहरा भैया मेरे बड़े भाई जैसे हैं, तो मैंने उनका दिल दुखाया, तो इसलिए यार आई एम रियली वेरी सॉरी। ठीक है, सो गाइस ने मेहरा भाई के लिए सॉरी बोला है, तो अब इसको हेट कमेंट नहीं करना। ठीक है, हमारी अच्छी खासी दोस्ती है। और आप अच्छे से रेडी होके आए हो, कहाँ जा रहे हो आप? पार्टी शार्टी में तो नहीं जा रहे हो? तो अच्छा नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, ठीक है, अब ध्यान रखा कर। ऐसे ना जब वहाँ पे ना उधर से रास्ता है दूसरी साइड से ट्रेन से, वहाँ से नहीं तेरे को पता, मुझे उधर में रास्ता ही नहीं मालूम था यार। जब लास्ट टाइम मैं गया था ना, वहाँ पे लकड़ी का फटा था ना वहाँ पे, हाँ, उसके ऊपर से बाइक जल्दी से निकल गई। ठीक है, कल मैंने वहाँ पे पत्थर जोड़ी उसके लिए नीचे से, तो पत्थर टायर के नीचे निकल गई, मैं गिर गया भाई। शुक्र के टाइम पे पहुंच गया। अगर ऐसा भी कोई सीन होता दोस्त को बुला लिया करेगा, हाँ, बाहर बुला लेकर बाइक नहीं क्रॉस कर रहा नहीं है वहाँ से। उसको कॉल कर रहा था, वो कॉल नहीं उठा रहा था। फ्रेंड में से बर्नआउट वगैरह मारूंगा थोड़ा सा, शूट कर लेगा, क्योंकि कल मैं अकेले था। मैं कंटेंट बना लेता हूँ थोड़ा सा बर्नआउट वगैरह मार के, पर वो आया ही नहीं, कॉल नहीं उठा रहा था। डेली व्लॉगिंग करने के लिए बंदा कुछ भी कर सकता है। अब आगे से ध्यान रखना, ठीक है। बाकी शुक्रिया यार दिल से यार, जो आपने, कोई बात नहीं यार, कोई बात। बाकी और कुछ भी बुरा लगा होगा उस चीज में, ठीक है, मेरे पहले भी यही चाहते थे कॉम्प्रो हो जाए। मैं भी तो पहले ही से बोल रहा था भाई, कॉम्प्रोमाइज कर लो। मुझे एक और बात करनी थी। क्या बात करनी है आपको, बोलो। यही कि मतलब अब कॉम्प्रो हो गया, आपने भी दिल से माफ कर दिया ना? हाँ हाँ, दिल से माफ किया यार, पक्का ही कर दिया। पक्का पक्का। बाकी मेहरा भी कल आएंगे तो उनसे मैं बात कर लूंगी, तो मैं आज के बाद आप लोगों के साथ व्लॉग्स नहीं बनाऊंगी। क्यों? क्या मतलब? मेरा, मैंने एक फ्रेंड बना लिया है। तो फ्रेंड बनाया है तो उसका थोड़ी ना व्लॉग के साथ लिंक है? नहीं यार, मैं आप लोगों के साथ व्लॉग्स वगैरह नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि फिर से हम फ्रेंड्स बन जाएं, फिर से कोई ऐसा इशू हो, लड़ाई झगड़े, ये सब मतलब गलत फहमी बन जाती है, वो पता नहीं होता है उस चीज़ का, तो फिर मैं नहीं चाहती यार ये सब, तो इसलिए मैंने फ्रेंड बना लिया। तो मैं अपने फ्रेंड के साथ ही निकल रही थी, तो यहाँ पे जैन आया, जैन के साथ मैंने बात की। जैन कहने लगा उनके पहले सैम और आ रहे हैं, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, ओके, फिर पहले कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो उसके बाद मैं यहाँ से निकलती हूँ। मेरा फ्रेंड वेट कर रहा है, वो मेरे को कॉल भी कर रहा है अभी, तो बाकी आप बनाओ व्लॉग्स, कोई इशू नहीं है। आपने मेरे को माफ कर दिया? माफ तो कर दिया मैंने, लेकिन आप बोल रहे हो कि मैं व्लॉग में नहीं आऊंगी, ये क्या मतलब है? मतलब तो यार बस अब मैं व्लॉग्स नहीं बनाऊंगी आप लोगों के साथ, बिकॉज़ यार मेरे फ्रेंड को अच्छा नहीं लगता, मैंने फ्रेंड बना लिया है। क्या बोलूं मैं यार, क्या करें फिर यार, वो मैं अब उसके बारे में आपको उतना ज्यादा नहीं बता सकती कि है कौन, ये तो बताओ मेरे को, तो बताओ कौन है। जब आपकी फ्रेंड बनी थी आपने बताया था, आप कह रहे थे वो मेरा पर्सनल मैटर है, तो फिर ये भी मेरा पर्सनल मैटर है ना, तो मैं नहीं बता सकती आपको सॉरी। क्या बोलूं मैं भाई, क्या सीन है भाई, कौन है इसका नया फ्रेंड? यार मेरे को खुद कुछ नहीं पता यार, हाँ, कोई फ्रेंड इसका नया है यार। तो भाई कम से कम बोल तो देती कौन है। मेरे को नहीं पता, ऐसे नॉर्मल फ्रेंड है यार, ऐसे बनाया हुआ फ्रेंड है। नाम तो बता दे, नाम क्या लड़की फ्रेंड है यार, कम से कम मेरे को तो बता। मेरे को नहीं पता, मैं जानता ही नहीं, कल गई थी किसी फ्रेंड के साथ, मैंने तो तुम्हें बताया था यार, मैं खुद नहीं जानता, मेरे को मिला ही नहीं उसका फ्रेंड। आज आए हुआ इधर कहीं पे होगा, इधर ही है कहीं, आ रहा है। चल जब आएगा ना मेरे को बता देना एक बार, मैं कर लूंगा कॉल। चलो अभी अंदर बैठते हैं तब तक, ठीक है। सो गाइस पता नहीं कौन सा फ्रेंड बनाया हुआ है, तो अभी मैं वेट करता हूँ कौन है यार, मैं भी देखूँ कौन है। चलो देखते हैं क्या सीन रहता है। कॉम्प्रोमाइज तो इन्होंने कर लिया, लेकिन मेरा मूड खराब कर दिया यार, बोल रही कि कोई फ्रेंड है उसका, तो देखते हैं कौन है, मैं भी देखता हूँ जरा।